हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज हम SP2 और SP3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं SP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इट इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी टू गिव अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल नोन एज SP2। एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल होती है आपस में मिलकर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे ही SP2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अर्थात SP2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल मिलकर SP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। SP2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। SP2 हाइब्रिडाइजेशन को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। SP2 मेंटेन एट 120 डिग्री। SP2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 120 डिग्री का होता है। इसका एग्जांपल है BCl3। इसमें B का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2, 2s2, 2p1 होता है। तो इसका जनरल स्टेट देखते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, 2s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके p ऑर्बिटल में आ जाता है। इसका हाइब्रिड स्टेट देखते हैं तो इसमें 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल में Cl के 3 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल s ऑर्बिटल के साथ और उसके 2 मॉलिक्यूल p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाते हैं और s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इनको जो जियोमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लानर होती है। इसमें b सेंटर में और Cl के 3 अणु आपस में मिक्स हो जाते हैं और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वह 120 डिग्री का होता है। अब दूसरा एग्जांपल BF3 का देखते हैं। तो इसमें बी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 1s2, 2s2, 2p1 है। इसमें भी ग्राउंड स्टेट में 1s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक्साइटेड स्टेट में 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके अर्थात अधिव्यापन करके p ऑर्बिटल में आ जाता है। इसी प्रकार इसके हाइब्रिड स्टेट में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में F के 3 मॉलिक्यूल एक s ऑर्बिटल के साथ और 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाते हैं और s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इनकी ज्योमेट्री होती है अर्थात संरचना जो होती है ट्राइगोनल प्लानर होती है। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वह 120 डिग्री का होता है और हाइब्रिडाइजेशन टाइप जो होता है वह sp2 का होता है। इसमें b सेंटर में होता है और f आपस में मिक्स हो जाते हैं और इनके भी जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इनका जो शेप होता है अर्थात जो संरचना होती है वह टेट्राहाइड्रल होती है। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109 डिग्री एंड 28 अक्षांश का होता है। इनका परसेंटेज की बात करें तो s जो होता है 25% और p जो होता है 75% होता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं CH4 और C2H4 होता है। इसमें एग्जांपल देखते हैं CH4 का। तो इसमें C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। सो ग्राउंड स्टेट में 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 2s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका एक्साइटेड स्टेट देखते हैं तो 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, 2s का 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 ओवरलैपिंग करके p ऑर्बिटल में आ जाता है। इनका हाइब्रिड स्टेट देखते हैं तो h के जो 4 मॉलिक्यूल हैं वह एक s ऑर्बिटल के साथ और 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाते हैं और s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इनकी जो जियोमेट्री होती है वह टेट्राहाइड्रल होती है। इसमें c सेंटर में और h के मॉलिक्यूल जो है आपस में एकत्रित हो जाते हैं और आपस में इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109 डिग्री का होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल C2H4 का देखते हैं। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 5 अक्षांश का होता है। इनकी ज्योमेट्री होती है अर्थात जो संरचना होती है वह टेट्राहाइड्रल होती है। इसमें कार्बन की 6 इनके कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2, 2s2, 2p2 होता है। ग्राउंड स्टेट या फिर जनरल स्टेट जो होता है 1s के 2 ऑर्बिटल, 2s के भी 2 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, 2s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैपिंग करके p ऑर्बिटल में आ जाता है और इनका जो हाइब्रिड स्टेट होता है
हाइब्रिड स्टेज में एच के जो फोर मॉलिक्यूल में से एक एस के साथ और तीन पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाते हैं और यही आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। थैंक यू।